बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत के निधन के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ उनके फैंस शॉक है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज इस खबर से सदमे में हैं। 53 साल की उम्र में उनका अचानक से दुनिया से चले जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। 2 दिन के लिए कोलकाता में अपने कॉन्सर्ट के बाद केके की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। केके का दुनिया से जाना म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका है। केके को फैमिली मैन कहा जाता था। केके ने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केके ने अपने बचपन के प्यार से ही शादी रचाई। सिंगर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हजारों हिट गाने दिए हैं, जो लोगों के जुबान पर रहता है। कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके के परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अपने गानों से उन्होंने नेम फेम सब हासिल किया, लेकिन अपनी फैमिली को हमेशा मीडिया से दूर रखा। केके की लव स्टोरी क्लास 6 से शुरू हुई थी और अपनी प्यार का साथ हमेशा हमेशा पाने के लिए उन्होंने सेल्स की नौकरी भी किया था। हालांकि जब नसीब ने उनका साथ दिया तो वो लगातार आगे बढ़ते ही गए। केके ने साल 1991 में अपनी लेडी लव ज्योति कृष्णा के साथ शादी की। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम नकुल कृष्ण कुन्नत और बेटी का नाम तमारा कुन्नत है। अपनी पत्नी और पिता के सपोर्ट के चलते उन्होंने इस नौकरी को छोड़ा और म्यूजिक की राह को चुना। इसके बाद केके ने अपने लिए एक कीबोर्ड खरीदा और अपने दोस्तों शिवानी कश्यप और सैबल बसु के साथ मिलकर जिंगल्स बनाने लगे। तीनों ने मिलकर इस काम से पैसे भी कमाए, लेकिन केके इससे खास खुश नहीं थे। उन्हें और भी कुछ बड़ा धमाल करना था। केके का पहला एल्बम पल 1999 में सामने आया। 2 दशकों के बाद ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच हमेशा से पसंदीदा बना हुआ है। केके ने लोगों को एक से बढ़कर एक दमदार गाने दिए हैं। केके को बॉलीवुड में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से बड़ा ब्रेक मिला। इस गाने के बाद उनकी गिनती बड़े सिंगर्स में होने लगी। केके ने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं, जो लोगों के दिलों में बसता है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।